गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड टुडेज टॉपिक इज साउंड ऑफ ए. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी लर्न वी हैव ऑलरेडी लर्न साउंड ऑफ ए की 2, 3, 4 लेटर्स ऑलरेडी लर्न. ओके, नाउ टुडे सेम टॉपिक वी विल स्टार्ट. पिछले वीडियो में हमने 4 लेटर वर्ड्स सीखा था ए से. मैंने इसके पहले वीडियो में क्या बोला था, ए की साउंड कैसे है. ए की साउंड ए होता है. ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, ए फॉर एम्बुलेंस, ए फॉर एंट, ये सारे ए की जो साउंड है ऐसे होता है. ये 2 लेटर और 3 लेटर के अंदर अप्लाई होता है. जब हम 4 लेटर के अंदर इसको यूज़ करते तो ए का साउंड एह नहीं होता, ए की साउंड ए ही होता है. जैसे टी ए एम ई, टैम नहीं बोलते हम, टेम बोलते हैं. सी ए एम ई, कैम नहीं बोलते, केम बोलते हैं. ओके, टी ए डबल एल, टॉल, यहाँ पे देखो ए की साउंड अ आ गया. ठीक है, तो जब हम जैसे बी ए के ई, बैक नहीं बोलते, बेक बोलते. एल ए के ई, लेक बोलते, तो यहाँ पे ए की साउंड ए आ रहा है. तो आज की टॉपिक 4 लेटर वर्ड्स. ओके, तो स्टार्ट. यहाँ पे देखो बी ए के ई, ओके, तो क्या हुआ, बेक. तो इसको हम जब इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या होता है, ब ए क ई, तो क्या हो गया, बेक. एल ए के ई क्या होता है, लेक. ल ए क ई, तो क्या हुआ, लेक. फिर टी ए के ई क्या होता है, टेक. तो इसको कैसे हमने अलग से लिखा, ट ए क ई, तो क्या हो गया, टेक. फिर शेक, शेक कैसे, श. फिर इसको एच के साथ ही शॉक के साथ आवाज साउंड आएगा, ए के ए क ई, तो क्या हो गया, शेक. फिर यह क्या, केक. क ए के ई, क यहाँ पे क्या होगा, क. ठीक है, केक. यहाँ पे देखो सी की साउंड भी क हो रहा है, क के की साउंड भी क हो रहा है. ओके, मेक. म ए क ई, तो क्या हुआ, मेक. तो हम एग्जाम में इसको दोनों तरफ से दे सकते हैं. आपको बोला जाएगा इसको, मैंने इसको ऐसा लिख के दूंगी, आपको इसको अलग से लिखना है, या मैं आपको अलग से लिख के दूंगी, आपको जोड़ के लिखना है. जैसे आपने हिंदी 4 लेटर वर्ड्स के कैसे जोड़ के तोड़ के लिखा था, सेम ये प्रोसेस है. ओके, तो आपको ये घर पे अच्छा से रीड आउट करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है. सेम होमवर्क मैंने पीछे इसको दी हूँ आपको. यहाँ पर वर्ड्स जो है मैंने लिखी थी उसको आप लिखोगे, फिर इसकी तोड़ के लिखना है. ओके, फिर आता है इसमें स्पेलिंग को लर्न करने की. लर्न आपको बार बार करना है, बी ए के ई बोल बोल के करना है, बी ए के ई बेक. तो आप भी पास में सेम टाइम आप भी 2 टाइम्स लिखना है. देखो सेम हुमा मैंने लिखा, तो आप भी यहाँ पे लिखोगे बी ए के ई बेक. फिर और एक बार बी ए के ई बेक. ओके, राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. फिर आता है लेक. लेक का स्पेलिंग आप बोलो एल ए के ई लेक. फिर से एल ए के ई लेक. ओके, नेक्स्ट क्या है, टेक. टी ए के ई टेक. टी ए के ई टेक. तो जितना बार बोल बोल के लिखोगे आपकी वो माइंड में सेट हो जाएगा. फिर आता है शेक. एस एच ए के ई शेक. फिर एस एच ए के ई शेक. फिर क्या है, केक. सी ए के ई केक. सी ए के ई क्या हुआ, केक. फिर आता है मेक. एम ए के ई मेक. फिर एम ए के ई मेक. तो आपको देखो लाइन को टच करके हुए लिखना है, लाइन से बाहर नहीं जाना है, और जो भी लेटर आप लिख रहे हो एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है. ठीक है, तो आज की होमवर्क क्या है, 4 लेटर वर्ड्स आपको जोड़ तोड़ के लिखना है, उसकी साउंड क्या है आपको बोलना है. फिर सेम टू सेम होमवर्क आपको यहाँ पे लिखना है, पहले वर्ड्स को लिखोगे फिर इसको तोड़ के लिखना है. फिर आता है इसकी 2 टाइम्स इसकी स्पेलिंग लर्न करना है. ओके, और राइट भी करना है नीट एंड क्लीन. तो आज हमने क्या क्या स्पेलिंग सीखा, बी ए के ई बेक,
बी ए के ई बेक, एल ए के ई लेक, एल ए के ई लेक। फिर आता है टी ए के ई टेक, टी ए के ई टेक। फिर आता है एस एच ए के ई शेक, एस एच ए के ई शेक। अब आता है सी ए के ई केक, सी ए के ई केक। फिर आता है मेक, एम ए के ई मेक, एम ए के ई मेक। तो ये जो सिक्स वर्ड्स हमने दिया, इसको आप अच्छा से घर पे लर्न करोगे और नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके, थैंक यू।